भंवरेश्वर पहुंचने की इस कड़ी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक विशेष गांव में जिसको अहिरमार धाम के नाम से जाना जाता है और यहीं पर स्थित है एक अति प्राचीन कुंड। और ये बताया जाता है कि कुंड लगभग द्वापर युग का है और द्वापर युग की एक मान्यता है कि जब द्वापर युग में पांडव माता कुंती सहित यहाँ पधारे थे तो यहाँ आसपास घनघोर जंगल हुआ करता था और जब पांचों पांडवों को माता कुंती सहित प्यास लगी तो आसपास कोई तालाब नहीं था, कोई जलाशय नहीं था, कोई सरोवर नहीं था, तो उस वक्त इसी सरोवर के पास नकुल आए थे, सहदेव आए थे, अर्जुन आए थे और उन्होंने इस सरोवर में पानी पीने का, जल पीने का दुस्साहस किया था और उसके परिणाम में उन्हें मिली थी एक सजा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर की रक्षा उस वक्त एक यक्ष कर रहा था और उस यक्ष की अनुमति के बिना जब इन भाइयों ने इस सरोवर के पानी को ग्रहण किया तो बेहोश और मूर्छित हो गए। अंततः युधिष्ठिर इस सरोवर पर आए और जैसे ही इस सरोवर में युधिष्ठिर ने जल पीना चाहा तो उसी क्षण उस यक्ष ने उनसे कहा कि हे धर्मराज, यदि आप मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे तभी आप मेरे सरोवर का जल पी सकते हैं। और ऐसा बताते हैं महाभारत काल में कि जब यक्ष के उन प्रश्नों का समुचित उत्तर युधिष्ठिर ने दिया तो यक्ष ने प्रसन्न होकर के उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया था और उनकी जो तृष्णा थी, जो पानी पीने की अभिलाषा थी, जो जल पीने की जिजीविषा थी, वो शांत की थी। तो इस वक्त हम भंवरेश्वर मंदिर पहुंचने से पहले इस वक्त पहुंच चुके हैं उसी धाम पर, उसी कुंड पर जहां पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित माता कुंती के साथ प्यास बुझाई थी। तो आइए हम दर्शन कराते हैं आपको इस वक्त उसी कुंड का। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने ये कुंड है जो पहले बड़ा सरोवर हुआ करता था। इसका एक बृहद रूप था जो समय के साथ साथ सिमटता चला गया और ऐसा बताते हैं कि द्वापर युग में ये एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसमें खिलने वाले पुष्प और जल की रक्षा स्वयं यहाँ का एक यक्ष करता था। आप देख सकते हैं कि द्वापर युग की बात है, द्वापर के बाद त्रेता आया और त्रेता के बाद कलयुग आया। बताते हजारों वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन आज भी महाभारत कालीन ये जो चिन्ह है ये यहाँ कायम है। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का ये कुंड है। इस वक्त आप देख सकते हैं, दर्शन लाभ कीजिए, इस कुंड का दर्शन कीजिए, जिस कुंड में महाभारत में जिसका बहुत उल्लेख था और इस कुंड के पीछे कई रहस्यमयी रोचक कहानियां भी सम्मिलित हैं लेकिन जिसमें जो शाश्वत सत्य वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं, ये अहिनवार एक गांव पड़ता है जिसे अहिनवार धाम के नाम जाना जाता है। कुछ हमारे साथ यहाँ के युवक हैं, नवयुवक हैं और साथ ही साथ एक हमारे व्यक्ति भी मौजूद हैं और हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि वास्तव में ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो इन इस सरोवर के बारे में, इस कुंड के बारे में इनकी अपनी मान्यता क्या है। आपका नाम? हमारा देवी प्रसाद नाम है। देवी प्रसाद, आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी। अच्छा अच्छा, तो ये जो कुंड है, हाँ, अहिनवार धाम में जो कुंड है, हाँ, तो इस कुंड के बारे में आपको यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, दादा परदादा, हाँ, उनसे कुछ कहानी सुनने को मिली है, क्या इसकी सत्यता है? सुनने मिली है कि यज्ञ वज्ञ भाव है, माँ पांडव लोग आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कन्नौज उद्धार हुआ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यही कहानी हुई, मतलब पांडव लोग यहाँ आए हैं, हाँ, और यहाँ बहुत पहले जंगल हुआ करता था। जंगल हुआ करता था, ये कुंड बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत बड़ा रहा, अब धीरे धीरे आबादी बढ़ी तो सिमटता चला गया। सिमट गया, हाँ, छोटा हो गया। तो अच्छा अच्छा, आज भी इस कुंड का कोई महत्व है? महत्व यही दिखाया जा रहा है, यहाँ चिन्ह मिल रहा है और कोई महत्व धाम। अच्छा, किस तरह का चिन्ह जो है, जो चिन्ह है, जिसे कुंड है अपने आप में चिन्ह है, हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी आप बात हमको बताइए जो आप, हाँ, लोगों ने देखा और महसूस किया हो। छोटी छोटी गलियां निकलती है, उसमें परई निकलती है, परई
और उसमें जौ निकलते हैं, इस तरह की सामान निकलती है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि छोटी छोटी परियां निकलती हैं, हाँ। आपको हम बता दें कि ये जो भैया बता रहे हैं गांव की भाषा में, जो परियां निकलती है और छोटी छोटी गरियां निकलती हैं, हाँ। तो ये एक छोटा सा लोटे के आकार का मिट्टी से बना हुआ पात्र, हाँ। होता है, और उसके ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है उसे परिया कहते हैं, हाँ। और जो लोटे की नुमा मिट्टी का बर्तन होता है उसे हम गरिया कहते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब खुदाई होती कभी कभी, हाँ। तो वो छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, उसके अंदर जौ भरा होता है, हाँ, जौ होता है, जो इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि कहीं न कहीं इस दुर्गम स्थान पे कोई बड़ा यज्ञ हुआ होगा, क्योंकि यज्ञ में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती, हाँ, है, पड़ती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैसे मान लिया इस जो ये सरोवर है, इसका जो जल है, हालांकि, हाँ। इस समय सरोवर काफी गंदा है, मुझे मैं देख रहा हूँ, हाँ। समय के साथ इस जल की भी कोई खूबी है, विशेषता है? इसकी खूबी यही है कि लोग गया करने जाते हैं तो यही का जल वहाँ भी प्राप्त होता है, तभी महत्व होता है यहाँ हिंडवार धाम का। अच्छा, जो लोग गया करने जाते हैं, हाँ। अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए, हाँ। तो यही से जल लेकर के जाते, यही से जल लेकर के जाते। अच्छा, जैसे गाँव में कोई मुंडन संस्कार हुआ या कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम हुआ तो भी सरोवर का महत्व है? हाँ, महत्व है। अच्छा, यही लोग बाग मुंडन कराते आते हैं। अच्छा, यही मुंडन संस्कार होते हैं, कार्तिक में मेला लगता है। आप देख सकते हैं कि एक तरह से आस्था का केंद्र है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी सनातन धर्म के ऐसे रहस्य अपने आप में सिमेटे हुए है ये अहिंवार धाम, जहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं इस कुंड के। और ये महाभारत कालीन एक ऐसा चिन्ह है जिसको आप देख सकते हैं, जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। पंडित जी, ये जो अहिंवार धाम है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो मैंने अंदर देखा मंदिर के अंदर, वहाँ पर एक बड़े नाग का स्वरूप रखा हुआ है, एक बड़ा नाग हमको वहाँ दिख रहा है, तो इस मंदिर के रहस्य के बारे में हमको आप बताइए। पहले सर्वप्रथम मैं भारत दर्शन टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। और ये जो मूर्ति स्थापित की गई है, ये चंद्रवंशी महाराज नहुष की मूर्ति है। शुद्ध विजय यज्ञ करके, इंद्र प्राप्त करके देवताओं पर शासन भी किया जी। तो कुछ षड्यंत्र के तहत ने सप्तऋषियों का श्राप लग गया था। अच्छा, सप्तऋषियों का श्राप लगा राजा नहुष को? जी जी। दरअसल बात है, इंद्राणी से मिलने का प्रस्ताव जब इन्होंने भेजा तो इंद्राणी ने कहा कि हम ऐसे कैसे मिल सकते हैं, तो अगर वो ये सप्तऋषियों की पालकी में बैठ के आए तब तो हम इससे मुलाकात करेंगे। तो सप्तऋषियों के पालकी पे बैठ करके चले, जल्दबाजी में बोले सर पर चलो। कहने के बाद में फिर महात्माओं ने अपनी गति बढ़ा दी, फिर भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। तो जब एक अगस्त ऋषि नाम के महात्मा थे, उनको पैर के ठोकर जब मारी तो उन्होंने साफ दे दिया था कि सर पर चिल्ला रहे हो, जाओ तुम भी सर्प हो जाओ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तब उसी श्राप के कारण जी जो राजा नहुष थे, जिनको इंद्र का पद प्राप्त हो चुका था, ये ऋषियों के श्राप के ग्रास बन गए और अंततः सर्प योनि में चले गए, और उसी सर्प योनि में यहाँ विद्यमान है जी। फिर उसके बाद में बोले हमारा उद्धार कब होगा। अच्छा, तो इन्होंने ऋषियों से पहले क्षमा याचना की होगी ना? जी, क्षमा याचना की, क्योंकि ऋषि तो संत हृदय नवनी समाना, जो ऋषि होते हैं उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। ऋषियों का श्राप भी वरदान बन जाता है। क्या बात है, नहुष के लिए हुआ। जी जी जी। तो बोले हमारा कब तक उद्धार होगा, हम कब तक इस श्राप को भोगेंगे? तो बोले आगे चल करके धर्मराज का अवतार होगा द्वापर में, द्वापर युग में जी, तो उनके यहाँ दर्श पर से उनके संवाद से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब पांडव वनवास काल में आए हैं 12 वर्ष की अवस्था में, ये तो यहाँ 11वीं 12वीं साल में बीच का मैटर है जी जी जी। तो जब ये भ्रमण कर रहे थे, ये यक्षिधिष्ठिर का संवाद जो सरोवर पे आप होके आ रहे हैं जी जी जी, ये चंद सरोवर उसी यक्षिधिष्ठिर संवाद की जगह है जी। पंडित जी, चूंकि राजा युधिष्ठिर के द्वारा, उनके भाइयों के द्वारा, माता कुंती के द्वारा जी जी राजा नहुष का उद्धार हुआ और ये सर्प योनि से मुक्त हो गए जी। मैंने यहाँ सुना है पंडित जी कि इस मंदिर में कोई एक ऐसा स्थान है जी, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मिट्टी की हांडी में दूध रखा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है,
और एक साल के बाद यानी एक वर्ष पूर्ण होने के बाद पुनः उस मिट्टी की हांडी को खोला जाता है और दूध पूर्णतया सुरक्षित होता, खराब नहीं होता है और शायद उसी दूध से खीर बनती है, उसका प्रसाद वितरण होता है। मैं चाहूंगा कि पंडित जी चल करके उस स्थान को उनका दिखाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यही स्थान है। दरअसल ये दूध रखने की तिथि और जो निकालने की तिथि है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जी। ये लोगों की मान्यता रही होगी जिस समय सात्विक निकाल जन्म होगा तो उनके लिए एक सुनिश्चित तिथि में पूरे क्षेत्र के गांव घर के लोग दूध रखते थे। जी जी जी। दूध रखने की परंपरा तभी से चली, तभी शुरू हुई जी। और ये दूध गोवर्धन पूजा के लिए रखा जाता है। अच्छा अच्छा। कार्तिक जो अमावस्या के बाद में गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा होती है जी, उस दिन दूध रखा जाता है और धनतेरस के दिन ही निकाला जाता है। धनतेरस के दिन निकाल करके तो रात में प्रसादित किया जाता है। नहुष चौदस को मेला लगता है तो उस मेले में उस खीर प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। तो जब दूध निकाला जाता है एक लंबा समय गुजर जाता है जी, जी, जी। तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि दूध में कोई ऐसी चीज आई हो, कोई विकृति नहीं आती? नहीं, उसका रूप रंग बदल जाता है जी जी, बसलते और कोई उसमें विकार नहीं आता, विकार नहीं आता। तो आप मानते हैं कि इस स्थान का प्रभाव है? जी बिल्कुल, मानते नहीं अनुभव में है। 25 साल से लमसम यहाँ रह रहे हैं, 20 साल से ऊपर हो चुका है तो यहाँ देखने में भी आया है और हमारे महाभारत कालीन इतिहास भी इस बात का साक्षी है। जी बिल्कुल। और क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जिसके पहले बहुत कुछ परिवर्तन देखा है जी, 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 जी। आज के प्रेस में बहुत कुछ है तो ये बहुत सिद्ध स्थान है। एक तरीके से देखा जाए हमारी भारतीय संस्कृति की एक विरासत है, अनमोल धरोहर। जी बिल्कुल। और हम प्रशासन की तरफ से भी अनुरोध करना चाहें कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को जिससे हमारे आर्य भारत की गरिमा बनी हुई है जी जी, तो थोड़ा इस तरफ से अगर ऐसे स्थानों का संरक्षण किया जाना चाहिए जी, और प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे, साफ सफाई पर, सुरक्षा पर, रखरखाव पर। ये आपकी प्रशासन से मांग जी, 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 जी। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपकी इस मांग को देखेगा और अतिशीघ्र इस पर अमल भी करेगा। लोक कल्याण के लिए उठाया हुआ प्रशासन का कदम सराहनीय और आभारमय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त भौरेश्वर मंदिर के ठीक पीछे अविरल निर्मल बहने वाली सरिता, जिसे हम सई नदी के नाम से जानते हैं और ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है, यह नदी पिछले कई युगों से बह रही है और सई नदी के तट पर स्थित है यह प्राचीन भौरेश्वर मंदिर। इस वक्त हम सई नदी में नौका विहार करने वाले अयोध्या प्रसाद जी के साथ हैं। चूंकि अयोध्या प्रसाद जी पिछले लगभग 30 से 35 सालों से, 50 साल या लगभग 50 सालों से ये यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनको सई नदी में जल विहार कराते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा जल में काई जमी हुई है, इतनी गंदगी का अंबार है और मुझे लगता है कि जो ये यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कहीं न कहीं वो भी लापरवाही करते हैं और तरह तरह की जो सामग्री है वो भी इस सई नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिससे नदी का जल अत्यंत दूषित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस ये जल किसी कीमत पर पीने योग्य नहीं है। जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ अगर ये जल कोई व्यक्ति पी लेगा
तो मुझे लगता है वो बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। और आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ नजदीक से देखें कि इस जल की स्थिति क्या है। ये देखिए अंदर, आप देखिए ध्यान से, ये अंदर कितना जो है, कितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है। यहाँ जो गंदगी है उसका एक अंबार लगा हुआ है। पूरी तरह से सही नदी की उपेक्षा हो रही है। अविरल निर्मल सतलुज बहने वाली ये सही नदी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। यहाँ का जल हम देख सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए क्या स्थिति है, मैं बयां नहीं कर सकते हैं। देखिए ये आप नारियल देख सकते हैं, तो ये जो मंदिर का की जो सामग्री होती, मुझे लगता वो भी इसमें प्रवाहित होती है, जो कि कदाचित उचित नहीं है। ये सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है, ये धर्म के आचरण के खिलाफ है। इस तरह से पतित पावन अविरल नदी को दूषित करना सनातन धर्म की व्यवस्था में कदाचित नहीं है। मुझे लगता है कि सही नदी को अविरल बहने के लिए यहाँ के प्रशासन को और मंदिर समिति को सजग होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन की इस कड़ी में मैं अंजनी तिवारी आप सभी इष्ट मित्रों का, बंधु बांधवों का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम आ चुके हैं लखनऊ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर एक अति प्राचीन शिवालय पर, जिसका नाम है भंवरेश्वर मंदिर। ये अति प्राचीन मंदिर अपनी कुछ रहस्यमयी रोचक जानकारियों के लिए विख्यात है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं रोचक शिवालय का, अर्थात भंवरेश्वर मंदिर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भंवरेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री सुनील गोस्वामी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये भंवरेश्वर मंदिर आखिर किन रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है, कितनी प्रसिद्धि इसकी है। सुनील जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है। कृपया बताएं कि भंवरेश्वर मंदिर की रोचक और रहस्यमय जानकारी क्या है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भंवरेश्वर महादेव का मंदिर जो है, द्वापर युग के कालीन में जब माता कुंती और पांडव के साथ में यहाँ पे आए थे, जी तब माता कुंती जो है बिना जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के बाद ही जो है जल ग्रहण करती थी। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि एक शिवलिंग की व्यवस्था की। जी, माता की आज्ञा के अनुसार भीम भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवलिंग के कैलाश लेने को, कैलाश से लेकर शिवलिंग जब आ रहे थे तो रास्ते में अघासुर का एक गढ़ पड़ता था, जो अघैया नाम है, इस समय एक गाँव है। वो अघासुर एक असुर था। वो ये जिस गांव का आप उल्लेख कर रहे हैं, हाँ, उसकी दूरी यहां से लगभग कितनी है? यहां से जो है 1 किलोमीटर की दूरी है। लखनऊ का आखिरी छोर है, बॉर्डर है। जी जी, ये तीनों जिला के प्रमुख बॉर्डर पे मंदिर भंवरेश्वर। वो तीन जिले कौन कौन से गोस्वामी जी? ये रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ। अच्छा अच्छा, तीनों जिला के बीच में भगवान भोलेनाथ की कृपा यहाँ पे शिवाला बना है। और सई नदी की जो है नदी, सई नदी सतयुग से बह रही है, उन्हीं के जो है तट पे स्थित। जी जी, भीम जो है जब शिवलिंग लेकर यहाँ आ रहे थे तो वो शिवलिंग जाना था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक राजा नहुष थे। राजा नहुष जो है बहुत तपस्वी राजा थे। उन्होंने जो है 107 यज्ञ किए थे और इंद्र की पत्नी प्राप्त किए थे। तो उन्होंने जो है डोली से, साधु संतों की डोली में बिठा के उनको जो स्वर्ग के लिए स्वदेह ले जा रहे थे साधु संत, तो उन्होंने जो है अशब्द कह दिए साधुओं को कि हमको सरपट लेके चलो, सरपट सरपट लेके चलो। मतलब तो साधु जो पालकी उठाए थे वो क्रोध में आ गए और राजा नहुष को श्राप दे दिया था कि जाओ आप सर्प की ओन में चले जाओ। तो वो जो है सर्प की ओन में राजा जो यक्ष बने, यक्ष की ओन में चले गए। जी, तो वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चंद्र सरोवर है, अहिनवार धाम। जी, अहिनवार धाम। हाँ, अहिनवार धाम में वो यक्ष के रूप में विराजमान थे। माता कुंती और पांडव जब वहाँ पे आए तो उन्होंने पूजा अर्चना यज्ञ प्रारंभ किया। जी, वहाँ पे शिवलिंग की जरूरत पड़ी तो भीम जब रास्ते में थे यहाँ पे आए तो एक माता जो है बूढ़ी माता रो रही थी, क्योंकि अघासुर डेली एक नर बलि लेता। अच्छा अच्छा, तो उस माता के एक ही पुत्र था। तो जब रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया जो है माता जो विलाप कर रही पुत्र को गले लगाकर, तो भीम ने पूछा कि हे माता क्यों रो रहे हो? तो माता ने कहा कि आज मेरे पुत्र का वध अघासुर कर देगा और उसको खा जाएगा, एक ही पुत्र है मेरा, कुलदीपक है। तो भीम को दया आ गई। भीम ने कहा आपका पुत्र नहीं जाएगा अघासुर के सामने, माता मैं आपका पुत्र बनकर अघासुर के सामने जाऊंगा। जी, शिवलिंग को यहीं पर रख दिया।
तब वन का रास्ता हुआ था, जंगल का रास्ता होते थे, और जब शिवलिंग को यहाँ रख दिया और जाकर अघासुर को जो है मारा, वध किया। अघासुर का जब वध करने के बाद में दोबारा जब शिवलिंग को उठाना चाहा भीम ने, तो भीम शिवलिंग को हिला नहीं सके। वो भगवान भोलेनाथ का कृपा था, वरदान था कि जहाँ पे शिवलिंग रख दिया जाता था जी, दोबारा शिवलिंग उठता नहीं, वहीं स्थापित हुआ था। हाँ, फिर चार पांडव मिलके, पांचों पांडव और माता कुंती आके यहाँ पे जलाभिषेक और भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके भीमेश्वर नाम पड़ा। द्वापर युग को बीतते हुए उसके बाद में यहाँ पे जंगल का था, बहुत दिन हो गए। जब नदी तराहती थी तो यहाँ पे जो राजा साहब थे वो स्टेट थी कुर्री सदौली स्टेट के सर राजा रामपाल। अच्छा, कुर्री सदौली के राजा जो रामपाल जी, सर राजा रामपाल सर, वो 52 राजाओं में सबसे बड़े थे, प्रमुख थे। उनको सर राजा रामपाल की उपाधि प्राप्त थी। हाँ जी जी, उनके पिता जो है हिमपाल थे। सर राजा रामपाल पत्नी जो है गणेश कुमारी साहिबा थी, कोई आज औलाद नहीं थी। तो उनके यहाँ गाय थी, मतलब आपके अनुसार जो राजा थे वो संतानहीन थे जी। उनके यहाँ जो गाय चराने वाले चरवाहे थे, उनके यहाँ एक गाय थी सूरा नाम की। तो यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो सूरा नाम की जो गाय थी यहाँ पे आके उसी स्थान पे जी जी अपने आप दूध जो है गिर जाता था, टपका देती थी, और जब घर जाती थी तो घर तक दूध नहीं देती थी। तो चरवाहों को ये सोचना पड़ा कि ये दूध होता क्या। तो उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ के स्थान पे सूरा नाम की गाय जब आती है तो दूध अपने आप गिर जाता है। अच्छा, उसके स्तनों से स्वतः दूध गिरता था। तो ऐसी भी कृपा पहले भी आपने देखा है, सूरा है, पुनूर है, कामधेनु है। तो जब चरवाहा वहाँ पर साफ सफाई की खुदाई की तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला, शिवलिंग प्रकट हुआ। तो वो राजा को खबर करी गई, राजा ने कुछ अपने सेना जो है सेना नायक भेजे, वहाँ पर साफ सफाई की गई, पेड़ पौधों की कटाई की गई और स्वच्छ एकदम मंदिर निकाल के वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। तब उनका भोलेनाथ का नाम सिद्धेश्वर रखा गया। जब सिद्धेश्वर नाम रखा गया, इसी बीच में औरंगजेब चढ़ाई पूरे स्टेट सोमनाथ से लेके जो है पूरे प्रांतों में वो चढ़ाई करके मंदिरों और ध्वस्त कर रहा था, ध्वस्त करता था, मुगल आक्रांता था। हाँ, उस जब सर राजा रामपाल का नाम सुना तो उसने यहाँ पे आके, तब उस जमाने में सर राजा रामपाल के पास हवाई जहाज हुआ करते, मेरे यहाँ जो सर राजा रामपाल थे उनके पास हवाई जहाज थे, औरंगजेब ने उनसे जो है संधि कर ली। सर गोस्वामी जी, ये मुगल काल की बात है। हाँ, मुगल। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इतिहास के दृष्टिकोण से, औरंगजेब जो मुगल आक्रांता था, हाँ, उसका उद्देश्य ही यही था कि मंदिरों को ध्वस्त करना, और खास तौर से शिवालय उसके निशाने होते थे। तब शिवालय नहीं होता था, उसका एक मेन उद्देश्य था कि जो राजा होते थे वो शिवलिंग के नीचे अपना खजाना छुपाते थे। अच्छा, उस गुप्त रास्ते के अनुसार में जी, मेरी बात सुनेगा। हाँ, वो इनको मालूम था कि हमारे डर से, हमारे प्रकोप से जो राजाएं हैं जी, जी, वो अपना खजाना कहीं शिवलिंग के नीचे या मंदिर में दफना कर देते थे। इस चक्कर में वो यहाँ पे आया भौरेश्वर स्थान पे अपने सेनापतियों को लेके, सेनापति और 52 सैनिक लेके यहाँ पे टुकड़ी लेके आया जी जी। तो यहाँ पे जब शिवलिंग को पता लगा तो उसने जो है इसके चारों तरफ, भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ खुदाई की, 82 फुट नीचे खोदा। हाँ, खुदाई गई, लेकिन आदि अंत मतलब शिवलिंग का अंत नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, औरंगजेब ने जो है सेनापति को आदेश दिया कि चारों तरफ जंजीरा डलवा के हाथियों से खिंचवा दो। अच्छा, शिवलिंग को खिंचवाओ हाथियों से। तो उसका भी कोई असर भोलेनाथ शिवलिंग अपने स्थान से टस मस नहीं हुआ। जब भीम नहीं टसमस कर सके, 10,000 हाथियों का बल था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो औरंगजेब को गुस्सा आया, तो उसने सेनापति को आदेश दिया कि शिवलिंग को तोड़ दो जी। तो उन्होंने जो है हन से इसको तोड़ना चालू कर आरम्भ कर दिया। जब तोड़ना चालू कर दिया, भगवान भोलेनाथ के सर पे जब वार किया तो एक रक्त की धारा प्रवाहित शिवलिंग से। हाँ, और वो रक्त की धारा प्रवाहित हुई तो वो रक्त की धारा काले भंवरों का रूप लिया, बड़े बड़े भंवरों का रूप, और जिस जो है सैनिक को काटा है भंवरों ने, अच्छा, तो वो तुरंत वहाँ पे कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ तुरंत खत्म हो गए, और हाहाकार मच गया जब भगवान भोलेनाथ का प्रकोप देखा औरंगजेब ने। तो वो कई बार मिन्नती के गिर के नाक रगड़ के, और भगवान भोलेनाथ, स्वामी जी आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस समय भगवान भोलेनाथ का प्रकोप भंवरों के रूप में हुआ जी, उनकी जो सेना की टुकड़ी आई थी वो तहस नहस हो गई, और अंत में वो मुगल आक्रांता औरंगजेब भगवान शिव में नतमस्तक हो गया और उनसे मन्नतें करने लगा, गुहार करने लगा अपनी जान की रक्षा के लिए, और कहा मैं आपका भोलेनाथ का मंदिर बनवाऊंगा, हमें माफ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ का प्रकोप समाप्त हुआ, और उसने औरंगजेब ने यहाँ पे गुम्बद छोटा सा मंदिर बनाया, और उसी विख्यात में
यहाँ पे जो है नाम भंवरेश्वर सबसे पड़ा। उसके बाद में जो गणेश कुमारी साहिबा की रानी सर राजा रामपाल की पत्नी, वो जो है संतानहीन थी, उन्होंने ये भव्य दरबार बनवाया था सम्मान 1999। जी जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भंवरेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप सुन सकते हैं कि अंदर से घंट घड़ियालों की तीव्र ध्वनि आ रही है, और आइए आपको अपने भारत दर्शन चैनल के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं यहाँ स्थित उस रहस्यमयी शिव। दोस्तों, इस वक्त हम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, और मंदिर प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान शिव के सबसे प्रिय गण नंदी जी के पास। मैं चाहूंगा कि नंदी जी के दर्शन आप दर्शकों को कराएं। इस वक्त आप देख सकते हैं नंदी जी की बहुत विशाल प्रतिमा है, और जिनका मुख भगवान शिव शंकर की ओर है, जो सिद्ध पीठ है जिसे हम भंवरेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हम आपको दर्शन कराएंगे उस रहस्यमय शिवलिंग का जो भंवरेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। जय भोलेनाथ।